दोस्तों, कल हमने देखा था कल के वीडियो में, जैसे कि डोजी कैंडल आया है और मैंने कहा भी था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है और उसकी कंडीशन भी बताई थी और बिल्कुल वैसे मार्केट रिवर्स हुआ और बहुत अच्छी तरह हुआ। तो इसको हम लोग, जैसे कि वीडियो बनाने के पहले ही आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइक दे दो और आप शेयर भी करते जाओ, क्योंकि मैं इतने अच्छे वीडियोज बनाता हूँ और आपका हमारा स्ट्राइक रेट भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अभी हम लोग कल देखेंगे, तो कल जैसे कि मार्केट का कंफ्यूजन था कि चालू है कि नहीं चालू है, लेकिन 28 तारीख को मार्केट कल चालू है और अपना एक्सपायरी भी कल है। अगर कल एक्सपायरी है तो क्या कल के एक्सपायरी में मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और मार्केट के कौन से लेवल बने हैं? ये लेवल जो है कि हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे और ऑप्शन 10 के ऊपर भी देखेंगे कि कल हमको कौन सा स्ट्रेटेजी करने हैं। तो इस वीडियो को मैं आप आखिर तक देखते रहो। सो हाई फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 28 जून को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जिस टॉप में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी आज 126 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 480। यानी जैसे कि कल हमने कहा था कि ये जो मार्केट यहाँ पे नीचे आया और ये डोजी कैंडल बना है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हो सकती है और एक रिवर्सल कैंडल है। मैंने आपको क्लियरली बताया था और आप जाके चाहे तो कल का वीडियो देखो, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। अभी जैसे कि हमने सोचा था वैसे मार्केट गया अभी, और कल जैसे कि इम्पोर्टेंस लेवल है यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में जो है कि इम्पोर्टेंस डे होता है और कौन से लेवल आएंगे पहले हम लोग चार्ट पे देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखे कि मार्केट ने बहुत ही अच्छे मोमेंटम किया और अपना ये लेवल था वहां पे आके क्लोज हुआ है, तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज हमारा अभी लेवल थोड़ा सा जो कि आज का हाई यहाँ पे मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो देखिए लेवल मैं आपके सामने ही निकालता हूँ। तो कल के लिए हमको जो लेवल रहेगा 18828 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 18885 जो कि एक ऑल टाइम हाई ये लेवल है, ये लेवल लगभग 18900 के आसपास है, इसके ऊपर भी लेवल मैंने निकाले। नेक्स्ट जो लेवल आता है 18965 और उसके बाद 19000 जो कि मैंने आपको बोल डाउन से जो टारगेट बताया था मेरा। लेकिन क्या मार्केट कल ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकते कि नहीं कर सकता है, ये हम लोग अभी चार्ट पे भी देख रहे हैं कि मार्केट ने ये अप ट्रेंड किया है तो ये ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन के ऊपर क्या पोजीशन बने ये भी देखेंगे। अगर मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया है तो कल के लिए हमको टॉप लॉस या अभी हमारा ये लेवल क्या होगा नीचे वाला, जो 18723 ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए 18723 जो कि कल का हाई था, ये हमारे लिए एक टॉप लॉस या एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। नीचे जैसे कि उसके नीचे है 18647 और जो कि नीचे उसके भी नीचे होता है 18500। अभी मार्केट ने भी अपट्रेंड पकड़ा है, कोई भी लो ब्रेक नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे आप देखो तो ये लो था, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये लो का सवाल ही नहीं आता है। तो मार्केट का अपट्रेंड कंटिन्यूशन यहाँ पे हो गया और मार्केट ने अभी नियर लो बनाया, नियर जो लो है वो है 18647 का जो है नियर लो है मार्केट ने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है कि मूवमेंट मार्केट को मिल रहा है। यहाँ पे हमने जो है कि चार्ट पे डेली चार्ट पे जो बड़े लेवल देखे, इंट्राडे के लेवल भी देखेंगे, उसके पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर क्या लेवल बने, यानी मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकते कि नहीं कर सकते हमको पता चलेगा। दोस्तों तो हम लोग जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं यहाँ पे 29 जून लिखा है, लेकिन एक्चुअली 28 को एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सचेंज इतनी जल्दी चेंज नहीं करता और उसके बाद डिसीजन आया है, तो ये कल का ही एक्सपायरी का जो है कि मंथली एक्सपायरी का जो ऑप्शन चेन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं जबकि की एट द मनी के आसपास, एट द मनी 18800 यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं आपको जो डिटेल बता दूं, देखिए 18900 यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 223,000 ओपनेटर्स है और 29,000 यहाँ पे चेंज इन ओपनेटर्स है। उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो है कि 19,000 में देखिए ये चेंज इन ओपनेटर्स यहाँ पे कम हो गया है, यानी लोगों को लगता है कि 18,900 यही रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोजीशन बढ़ रहे हैं और नए पोजीशन यहाँ ऐड हो रहे हैं, तो 18,900 हम लोग कल के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं, तो लगभग ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई कल टच भी हो सकता है लेकिन ब्रेकआउट होके उसके ऊपर सस्टेन होना ये थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 18700 के यहाँ पे देखिए कि कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट 2,72,000, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,13,000 यहाँ पे है, तो ये 17,000 18,700 जो है कि एक राउंड फिगर है, तो हम लोग इसको
क्या करते हैं इसको कंसिडर करेंगे कि एक सपोर्ट है, तो 18,700 और 18,900 और मार्केट बीच में 18,800 के है यहाँ पे, यानी 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर, ये क्या मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और ये लेवल हो गए कल के। तो यहाँ पे आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी करना है तो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, या लेवल ब्रेक होता तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेन भी देखे और अगर चार्ट भी देखे तो लगभग लेवल्स वही पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हो। यहाँ पे जो कि पोजीशन लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो कल एक्सपायरी है तो आपको संभल के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और अगर जो कि एक्सपायरी में एक्सपायरी जैकपॉट कॉल भी बनता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को जितने भी स्टूडेंट्स है कल लाइव में देखेंगे जो कि लाइव क्लासरूम में, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे के लिए 18,828 जो कि आज का हाई है उसके ऊपर जाते ही हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। सेलिंग के लिए हम लोग 18,757 का लेवल है, इसके नीचे जाते तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी देखिए कि मैंने आपको कहा था कि अगर डोजी कैंडल वर्क हो गया और जो निफ्टी अगर ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी को भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक किया यहाँ पे 44,076, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस आया था और ये सिग्निफिकेंट बड़ा कैंडल सेलिंग वाला उसका हाई था, तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो है कि ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप देखो तो जो मैं लेवल देता हूँ आपको वो पहले ही लगाए होते हैं। अगर आप पीछे का मेरा ये देखो, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल लगाया था हमने 44,194 यहाँ पे आज का हाई बना है बैंक निफ्टी का। तो कल के लेवल क्या रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे देखिए कि मैं चार्ट के ऊपर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो अगर आज के हाई के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी जो है कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होगा 44,350, 44,488 ये लेवल हो गए। अगे बैंक निफ्टी में आपको नजदीक वाला टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे 44,076 का ही टॉप लॉस हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेवल्स है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग कल डिसाइड करते हैं वैसे ही मार्केट वर्क हो रहा है। अभी हम लोग इंट्राडे में देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आप आज का हाई है 44,194 के ऊपर ही हमको यहाँ पे जो है कि बाय करना है। सेलिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं 43,947 ये जो लेवल से इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों कल मैंने आपको दो स्टॉक दिए थे जिसमें थे सिप्ला था, तो आपको लगेगा कि सिप्ला यहाँ पे अपना टॉप लॉस हुआ तो नहीं, इंट्राडे में देखिए कि पहले कैंडल यहाँ पे टच होने के बाद नीचे आया तो यहाँ पे जो है कि बाइंग नहीं बनता था। और सेकंड जो है कि हमने ग्रासिम दिया था तो ग्रासिम बहुत ही अच्छा गया और ये कल भी मोमेंटम कर सकता है, तो ग्रासिम देखिए ये पॉजिटिव ऊपर गया था। कल के लिए हम लोग और दो स्टॉक देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं अपोलो हॉस्पिटल क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अपोलो हॉस्पिटल में देखिए फ्लैग पैटर्न आया था बहुत ही अच्छे ऊपर गया, फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ये लेवल ब्रेकआउट कर गया था उसको रिट्रेस किया और आज जो कैंडल बना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। यहाँ पे 5149 के ऊपर अगर जाता तो आप बाय कर सकते हो, 5262 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का भी चार्ट देखेंगे हम लोग, तो पहले जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिट्रेस किया है। जेडब्ल्यू स्टील में 765 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग बाय करेंगे, 775 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ तो ये दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल करके मेरे साथ लाइव मार्केट में टेक्निकल से सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।